हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ जो डीआईवाई शेयर करेंगे उसको आप पुराने यूज़लेस कपड़ों का इस्तेमाल करके बना सकते हैं और ये इजीली वॉशेबल है। इसमें हम ना कोई फोम शीट का इस्तेमाल करेंगे और ना ही कोई राइस बैग का इस्तेमाल करेंगे और आप इसे किसी भी साइज़ में भी रेडी कर सकते हैं और इससे आप चेयर कवर भी बना सकते हैं या फिर आप डोरमेट रेडी कर सकते हैं और इस तरह से आप किसी भी डिज़ाइन को आप यहाँ पर रेडी कर सकते हैं। उसके लिए मैंने ये एक पुरानी कुर्ती ले ली है और सबसे पहले हम इसको इस तरह से साइड ओपन कर लेंगे। जो कि सिलाई लगी हुई थी उसको मैंने दोनों साइड से खोल लिया है। फिर इसके बाद हम ये मेरे पास पुराना टॉवल है उसको डबल फोल्ड करके और इसके ऊपर इस तरह से बिछा लेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम इसके बीचों बीच एक निशान लगाएंगे और उसके लिए सबसे पहले हम इसको हाफ़ कर लेंगे जो कि होगा 14 इंच। और इस तरह से दोनों साइड 14 इंच पे निशान लगाने के बाद फिर हम ऊपर से नीचे की तरफ एक निशान और लगाएंगे, उसमें भी हम इस तरह से इसको हाफ करके जो कि 8.5 इंच होगा उसको निशान लगा के और दोनों को हम मिला देंगे। मिलाने के बाद अब आपको जो भी डिज़ाइन आपको पसंद हो वो इस पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक लीफ का डिज़ाइन बनाऊंगी और जो इसके बीच वाला हिस्सा है वहाँ पर इसको एज इट इज छोड़ देंगे और ऊपर और नीचे से इस तरह से पतला करते हुए इसको डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हाफ इंच का यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए और इसको हम चारों तरफ से कट कर लेंगे। सिलाई के लिए हमें यहाँ पर हाफ इंच का कपड़ा छोड़ लेना है। और यहाँ पर मैंने जो कपड़ा लिया है उसके चार पीस हैं, दो पीस यहाँ पर टॉवल के हैं और दो पीस कुर्ती के हैं। टोटल चार पीस यहाँ पर मैंने कट किए हैं। और अब हम नीचे सबसे नीचे हम टॉवल के पीस रखेंगे जो कि आपको इनर जो भी कोई इनर डालना है उसको आपको नीचे रखना है। फिर उसके बाद आपको कपड़ा रखना है जो कि सीधा है और लास्ट में जो कपड़ा रखेंगे उसको हम उल्टा रखेंगे और जो ये दो कपड़े हैं ये आमने सामने से सीधे होंगे और फिर इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। थोड़ी सी सिलाई यहाँ पर हमें छोड़ लेनी है जो कि हमें इसको पलटने में काम आएगी और इस तरह से मैंने सिलाई लगाई है। और सिलाई लगाने के बाद पलटने से पहले हम यहाँ पर छोटे छोटे कट कर लेंगे। अब कट लगाने के बाद हमें जो इस पे थोड़ा सा सिलाई यहाँ पर छोड़ी थी वहाँ से हम इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद आप देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट शेप इसकी आई है। और इसको जो बचा हुआ कपड़ा है उसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए और इसके चारों तरफ हाफ हाफ इंच की हमें फिर से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें जो भी पैटर्न ड्रॉ करना है लीव का उस हिसाब से हमें यहाँ पर लाइन लगा लेनी है। यहाँ पर इस तरह से हमें इसके पैटर्न को रेडी कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर सीधी रेखा में भी लाइनें लगा सकते हैं। इस तरह से आपको ये लाइनें लगा लेनी है और इसके ऊपर हमें मैचिंग का धागा नहीं लेना है। थोड़ा सा लाइट कलर का यहाँ पर धागा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और ये जिगजैग सिलाई लगा के इसको यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया है। ये देखिए इस तरह से कितना सुंदर ये लीफ बन के रेडी हुआ है। और दूसरी साइड से भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से इसको हम डोरमेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।